ये है राजनगर। राजनगर के इस महल में राजा बलवंत रहता था। राजा बलवंत बहुत ही अच्छा इंसान था, इंसाफ पसंद था। राजा बलवंत की एक बीवी और एक बेटी थी। उसकी बेटी बहुत उदास रहती थी। राजा बलवंत की एक ही बेटी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। वो उसको कहीं बाहर आने जाने नहीं देता था, क्योंकि राजा बलवंत के बहुत सारे दुश्मन थे। शहजादी कभी-कभी महल के बाग में घूम लेती थी। एक रोज शहजादी महल के बाग में खड़े होकर सोचने लगी, कैसी जिंदगी है, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। इससे अच्छा तो मैं किसी आम आदमी की बेटी होती, मैं बाहर घूम फिर तो सकती थी। शहजादी ने अपनी माँ को कहा, माँ, ये कैसी जिंदगी है, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। आप बाबा को बोल के देखें, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ, मैं यहाँ महल में बोर हो जाती हूँ। बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा के बहुत दुश्मन हैं, तुम बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे बाबा से बात करके देखूंगी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। रानी ने राजा से डरते डरते कहा। राजा बलवंत, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो रानी, क्या बात है? शहजादी बहुत बोर हो जाती है इस महल में, हम उसे कहीं आने जाने भी नहीं देते। अगर आप उसे इजाजत दें तो वो कहीं घूम फिर आए। ये सुन के राजा बलवंत गुस्से में आ गया। वो बोला, तुम्हें पता है कि हमारे कितने दुश्मन हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। शहजादी मेरी एक ही अकलौती बेटी है, मैं कैसे उसे जाने दूं, जबकि मुझे पता है कि बाहर मेरे कितने दुश्मन हैं। लेकिन शहजादी बहुत उदास है, वो चाह रही थी कि वो कहीं बाहर घूम ले। अगर हम उसके साथ चले जाएं तो आपको भी कोई मसला नहीं होगा। ये सुन के राजा थोड़ी देर खामोश हो गया, फिर बोला, ठीक है, कल चलते हैं। मैं और तुम भी उसके साथ चलेंगे और हमारे साथ सिपाही भी होंगे। राजा का फैसला सुन के रानी बहुत खुश हुई। मैं अभी जाकर शहजादी को बताती हूँ, वो भी ये सुन के बहुत खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ शहजादी महल के बाग में घूम फिर रही थी। उसे सबका ख्याल रखने का बहुत शौक था। एक दिन एक बुढ़िया महल के बाहर खड़ी थी। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया ही नहीं। शहजादी राजा बलवंत की तरह बहुत रहम दिल थी। अम्मा जी, तुम्हें जब भी भूख लगे यहाँ आ जाया करना, तुम खाने की फिक्र बिल्कुल नहीं करना। ये कहकर शहजादी ने बुढ़िया को कुछ फल दे दिए। रानी जब शहजादी के कमरे में आई, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। शहजादी उदासी से बोली, इस महल में क्या ही अच्छा हो सकता है? तुम चाहती थी ना कि महल से बाहर घूमने जाओ, मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है और वो मान गए हैं कि हम सब तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। ये सुन के शहजादी हैरान रह गई। क्या वाकई बाबा मान गए हैं कि हम सब घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा मान गए हैं। अब चलो सो जाओ, हमें सुबह जल्दी निकलना है। सुबह राजा बलवंत अपनी बीवी और बेटी के साथ महल से निकल गए। राजा बलवंत के साथ कुछ सिपाही भी थे। राजा बलवंत एक दरिया के किनारे आके रुक गया। दरिया का नजारा देख के शहजादी बोली, अरे वाह, ऐसा नजारा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कितना खूबसूरत समा है। रानी भी इतना खूबसूरत नजारा देख के बहुत खुश थी। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत दरिया है। रानी ने कहा कि हम कुछ देर यहीं रुकते हैं, फिर आगे चलेंगे। राजा बलवंत और रानी बातों में मसरूफ हो गए। शहजादी नज़ारा देखते देखते आगे बढ़ने लगी। वहां खड़े एक सिपाही ने कहा, शहजादी, आप आगे नहीं जाएं, आगे घना जंगल है, कहीं आप रास्ता ना भटक जाएं।
सिपाही की बात पर शहजादी ने जवाब दिया, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सिर्फ ये नज़ारा देख रही हूँ। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और यहाँ राजा और रानी की हिफाजत करो। शहजादी ने ये कहा और नज़ारा देखते देखते आगे बढ़ती रही। शहजादी को पता ही नहीं चला कि वो कब जंगल में आ पहुंची। अरे ये क्या, मैं ये कहाँ आ गई हूँ, ये तो पूरा जंगल है। उस सिपाही ने सही कहा था कि कहीं मैं रास्ता ना भटक जाऊँ। अब मैं वापस अपने बाबा के पास कैसे जाऊंगी? मुझे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। दूसरी तरफ जब राजा बलवंत और रानी को पता चला कि उनकी शहजादी दरिया के किनारे नहीं है तो वो बहुत परेशान हो गए। राजा बलवंत ने सिपाहियों से गुस्से में कहा, तुम कहाँ मरे थे, तुम्हें पता नहीं चला कि शहजादी कहाँ गुम हो गई? उनमें से एक सिपाही ने राजा से कहा, राजा साहब, मैंने शहजादी को रोकने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। राजा बलवंत बहुत परेशान हो गया था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ जाके मेरी बेटी को ढूंढ के लेकर आओ, वो यहीं कहीं जंगलों में फंस गई होगी, उसे तो रास्ता भी नहीं पता। जाओ और जाके ढूंढ के लाओ मेरी बेटी को। दूसरी तरफ शहजादी चल चल के अब बहुत दूर आ चुकी थी। मैं क्या करूं, अब तो मैं चल चल के भी थक गई हूँ, मुझे तो कहीं से भी दरिया का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं तो बहुत बुरी मुसीबत में फंस गई हूँ, बाबा भी बहुत गुस्से में होंगे। शहजादी चलते चलते एक जगह रुक गई, वह अब बहुत थक चुकी थी, उसे और चला नहीं जा रहा था। मुझसे अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा, मैं क्या करूं, मुझे तो कहीं रास्ता भी नहीं मिल रहा, बहुत जल्द रात भी हो जाएगी और अंधेरे में तो और रास्ता नहीं मिलेगा और इस जंगल के जानवर भी बाहर आ जाएंगे। बाबा ठीक ही कहते थे कि मैं महल में ही ठीक थी, मैंने पता नहीं क्यों बाबा से जिद की। शहजादी को परेशान देख के वहां बैठा एक बंदर बोला, शहजादी तुम परेशान क्यों हो? बंदर को बोलते हुए शहजादी बहुत हैरान रह गई। क्या तुम इंसानी जबान भी बोल सकते हो? बंदर ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारी जबान में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं राजा बलवंत की बेटी हूँ, मैं राजा और रानी के साथ दरिया के किनारे घूमने आई थी, मैं चलते चलते रास्ता भटक गई हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बाबा के पास वापस कैसे जाऊँ। ये सुन के बंदर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? क्या तुम मेरे बाबा के पास मुझे छोड़ आओगे? हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक छोड़ आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुन के शहजादी हैरान रह गई। तुम्हारी मदद? भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? असल में मैं एक बंदर नहीं बल्कि इंसान हूँ। यहाँ जंगलों में एक बुढ़िया रहती है, उस बुढ़िया ने मुझे बंदर में बदल दिया। अगर तुम मेरी मदद करो और उस बुढ़िया के गार से वो सुनहरा सेब ला दो तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। ये सुन के शहजादी थोड़ी देर खामोश हो गई। सोचने के बाद शहजादी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। लेकिन याद रहे कि ये जंगल बहुत घना है और उस बुढ़िया का भी नहीं पता कि वो कितनी तेज है। तुम फिक्र मत करो, मैं रात होने से पहले वो सुनहरा सेब लेकर आऊंगी, तुम मेरा यही इंतजार करना। शहजादी गार के तलाश में बहुत घने जंगल में आ पहुंची। मैं ये कहां आ गई हूँ, मैं तो वैसी रास्ता भूल गई थी, अब मैं वो गार कैसे ढूंढूंगी? यहाँ तो इतना अंधेरा है कुछ दिख भी नहीं रहा। राजा और रानी दोनों ही बहुत परेशान थे। क्या हुआ सिपाहियों, कुछ पता चला शहजादी का? राजा साहब, हमने शहजादी को हर जगह ढूंढ लिया, उनका कुछ पता नहीं। राजा ने जवाब दिया, कैसे निकम्मे सिपाही हो तुम लोग, तुम्हें एक शहजादी नहीं मिल रही।
मेरा ये हुक्म है कि मुझे रात होने से पहले पहले शहजादी महल के अंदर चाहिए। रानी भी वहां खड़ी हुई अपनी बेटी का इंतजार देख रही थी। क्या हुआ राजा बलवन, शहजादी का कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ नहीं पता चला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पता है कि इसको महल में ही रखना कितना बेहतर है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम घूमने गए और ये सब कुछ हुआ। शहजादी गार के तलाश में फिरते फिरते अब बहुत दूर आ गई थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की उस बंदर की बात मान के। मुझे खुद ही महल का रास्ता तलाश कर लेना चाहिए था। अब मैं कहां से उस गार को ढूंढूं? मुझसे तो अब मजीद चला भी नहीं जा रहा। मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। आखिरकार शहजादी को वो गार मिल ही गया। शुक्र है कि ये एक गार नजर आया। पता नहीं कि ये उस बुढ़िया का गार है भी या नहीं। चलो अंदर जाके देखती हूँ। गार के अंदर आके शहजादी डर सी गई। मैं ये कैसी जगह पर आ गई हूँ, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कैसे इस गार में उस बुढ़िया को ढूंढूं? कहीं अब मैं इस गार में ही ना फंस जाऊं। शहजादी बुढ़िया को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ती रही। आखिरकार शहजादी को बुढ़िया मिल ही गई। एक अंधेरे कमरे में एक बुढ़िया सो रही थी। बुढ़िया को देख के शहजादी बहुत हैरान रह गई। शहजादी ने सोचा, अरे ये तो वही बुढ़िया है जो हमारे महल में आती है। अच्छा, तो जब ही ये इतने फल लेकर जाती है महल से। शहजादी ने फौरन से वो सुनहरा सेब अपने पास छुपाया और वहां से भाग गई। जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, कहीं वो बुढ़िया उठ ना जाए और मेरे पीछे ना लग जाए। शहजादी के भागने की आवाज से बुढ़िया उठ गई। ये क्या, ये तो किसी के भागने की आवाज है, लेकिन इस गार में कोई कैसे आ सकता है? मुझे जाके देखना होगा। मुझे लगता है कि वो बुढ़िया उठ गई है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले। रुक जाओ, वहाँ कौन है? वहाँ किसकी हिम्मत हुई मेरे गार में आने की? आखिरकार शहजादी गार से बाहर आ ही गई। पीछे पीछे बुढ़िया आ रही थी। आखिरकार शहजादी उस जगह पहुंच गई जहां बंदर मौजूद था। ये लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हारा सुनहरा सेब लेकर आ गई। जैसे ही उस बंदर ने सुनहरा सेब हाथ में पकड़ा, वो एक शहजादे में बदल गया। शहजादी ये सब देख के हैरान रह गई। ये क्या, तुम तो एक शहजादे हो। हाँ, मैं राजा पृथ्वी का बेटा हूँ। मैं आपके शहर में घूमने आया था। इस बुढ़िया की वजह से मैं बंदर में बदल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अगर आप नहीं होती तो मैं पूरी उम्र बंदर ही बना रहता। शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें अपना भी वादा पूरा करना पड़ेगा और मुझे महल तक पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे अपना वादा याद है। चलें, मैं आपको आपके महल तक पहुंचा देता हूं। आखिरकार शहजादी महल तक पहुंच गई। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए कि शहजादी महल तक पहुंच गई है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। रुकिए, मैं आपको अपने बाबा से मिलवाऊंगी। शहजादी को देख के राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश हुए। शुक्र है मेरी बेटी, तुम वापस आ गई हो। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। बाबा, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से आप दोनों को बहुत परेशानी हुई। शहजादी ने सारी कहानी राजा बलदेव को सुनाई कि वो कैसे महल तक पहुंची और उसके साथ क्या क्या हुआ। राजा बलदेव ने उस शहजादे से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बेटी को सही सलामत महल तक ले आए। और जिस किसी ने भी आपको इस शहर में तकलीफ दी थी,
हम उसको जरूर सजा देंगे। राजा बलदेव की बातें सुनके शहजादा बोला, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनके राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश हो गए। राजा ने जवाब दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। राजा पृथ्वी के बेटे से मेरी बेटी की शादी हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। कुछ दिन बाद शहजादा और शहजादी महल के बाग में खड़े थे। वहां वही बुढ़िया महल के बाग में आई कुछ फल लेने। उस बुढ़िया ने जैसे ही शहजादे को देखा वो घबरा सी गई। उसको याद आ गया था कि ये तो वही शहजादा है जिसको उसने बंदर में बदल दिया था। इससे पहले बुढ़िया कुछ बोलती, सिपाहियों ने बुढ़िया को पकड़ लिया। सिपाहियों ने उस बुढ़िया को राजा बलदेव के सामने पेश किया। अच्छा, तो तुम हो वो बुढ़िया जो हमारे शहर में आने वाले लोगों को तंग करती है। नहीं राजा साहब, वो तो कोई और होगी। मैं वो बुढ़िया नहीं हूँ, मैं तो बहुत गरीब सी औरत हूँ। बुढ़िया का झूठ सुनके शहजादी फौरन से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने तुम्हें उस गार के अंदर देखा था। बुढ़िया फौरन से बोली, आप सबको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। राजा ने फौरन से सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों इस बुढ़िया को यहाँ से लेकर जाओ और जिंदान में फेंक दो, इसकी यही सजा है। सिपाहियों ने राजा बलवंत के हुक्म पे उस बुढ़िया को जिंदान में डाल दिया। दूसरी तरफ शहजादा और शहजादी अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे।